लगातार से पूरे प्रदेश में घटनाएं घट रही है, चाहे अनाचार की हो, किसानों के समस्या हो, लेकिन ये कुर्सी दौड़ में लगे हुए हैं, सत्ता के मद में मदांत है। बिलासपुर में कांग्रेस के पदाधिकारी और विधायक वर्चस्व की लड़ाई में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ सरगुजा में विधायक और मंत्री के बीच में चल रही है, और रायपुर में आएंगे तो मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में कुर्सी दौड़ चल रही है। छत्तीसगढ़ के जनता ने इनको दिया सेवा के लिए, लेकिन पूरे कांग्रेस के संगठन से लेकर के उनके मंत्री और विधायक तक और मुख्यमंत्री तक जिस प्रकार से वर्चस्व की लड़ाई या कुर्सी दौड़ में लगे हुए हैं, प्रदेश की जनता अब ये समझ गई है, जानने लगी है कि इतने बहुमत देने के बाद में यदि प्रदेश का विकास इनके हाथों में संभव नहीं है तो कभी इस प्रदेश का विकास कांग्रेस कर ही नहीं सकती। वैसे भी मैं पहले भी कहा था कि कांग्रेस विकास विरोधी, और मैं कह नहीं रहा हूं, ये बात प्रमाणित हो रही है, शायद इतना बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिला। और उसके बाद में यदि प्रदेश के विकास कार्य नहीं होंगे, किसानों के समस्या हल नहीं होंगे, कानून व्यवस्था ठप रहेगी, तो सिवाय प्रदेश को बर्बादी की ओर ले जाने के अलावा कांग्रेस के पास में कोई विकल्प नहीं है। और जिस प्रकार से मदांत होकर के दौड़ में लगे हुए हैं, इस प्रदेश को 10 साल कांग्रेस ने पीछे धकेलने में अपनी पूरी कोशिश की और प्रदेश 10 साल पीछे हुआ। जो आरक्षण का रोस्टर है उसका पालन नहीं किया जा रहा है, पालन भी नहीं हो रहा है, और पालन नहीं होने से ये ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय है, ऐसा मतलब देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बढ़ चढ़ करके कहा था कि हम 27% आरक्षण देंगे, 27% आरक्षण तो ओबीसी को मिला नहीं। केवल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री जी ओबीसी के नाम पर या जनजाति के नाम पर राजनीति करने में लगे हुए हैं, और यदि उसमें रोस्टर में गड़बड़ी है तो मुझे लगता है कि अधिकारियों को गंभीरता से इस बात को लेना चाहिए। यदि कहीं त्रुटि है तो उसको सुधार करने की आवश्यकता है, और उसको सुधार करके उसका लाभ मिले, ये सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। नहीं तो सरकार क्या, क्यों इस तरीके से सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ ओबीसी को एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है, और क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये कहना पड़ा कमीशन के? बीजेपी के लिए भी क्या ये पॉलिटिकली एक इशू आने वाला? देखिए, बीजेपी के लिए पॉलिटिकल इशू नहीं है। बीजेपी के लिए तो आपको मालूम होगा कि जब एक मामला आया था कोर्ट में, और जब आरक्षण को समाप्त करने की बात आई थी, उस समय मोदी जी ने अनुसूचित जाति जनजाति के मामले को लेकर के कैबिनेट में लाया, पुनः आरक्षण लागू किया। ओबीसी की बात आई तो संवैधानिक दर्जा आयोग को देने का काम मोदी जी ने किया, 10% गरीबों का आरक्षण जो स्वर्ण आरक्षण है उसको मोदी जी ने किया, और उसके बाद में 27% आरक्षण जो बच्चे हैं मेडिकल वाले डेंटिस्ट है ऐसे लोगों को देने का काम किया, और जो ओबीसी में आना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए लोकसभा राज्यसभा में पारित केंद्र सरकार के द्वारा की गई है, राज्यों को अधिकार दिया गया है कि जो ओबीसी में आना चाहते हैं राज्यों को अधिकार रहेगा और उनको लाभ मिलना चाहिए। मोदी जी किसी जाति विशेष को लेकर के काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि संपूर्ण समुदाय का प्रगति होना चाहिए, और उस प्रगति में चाहे ब्राह्मण समाज हो, ठाकुर समाज हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, या एक बड़ा तबका ओबीसी हो जो अभी तक अपने हक और लड़ाई उसके लिए संघर्ष करती रही है, यदि उसको सम्मान देने का काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी।